बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का काउंटडाउन शुरू होते ही सियासत उफान पर आ गई है। इस बीच पैरोल पर बाहर आए बाहुबली आनंद मोहन एक बार फिर जेल जाने के लिए रवाना हो गए। हालांकि जेल जाने से पहले ही आनंद मोहन ने मीडिया के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मेरा प्रणाम है, जो भी बात करनी है कल करेंगे। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, निकल के बोले। दरअसल जब आनंद मोहन से आईएएस एसोसिएशन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में बाहुबली ने बिना कुछ बोले हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपके सवालों को मेरा प्रणाम है, जो भी बात करनी है कल करेंगे। नमस्ते सर। एक नहीं जेल का प्रोग्राम। एक मिनट सर, आज आप जा रहे हैं। जी प्रणाम, आप छोड़ दीजिए, आप जा रहे हैं आखिरी बार। लोगों ने कुछ नहीं कहना चाहेंगे, निकल के बोले। जी सर, एक सवाल है सर, जिस तरीके कोई सवाल, देखिए अब जितना सवाल जवाब करना था सबका दे चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब निकलेंगे जो फैसला आया सर, उसका आईएएस एसोसिएशन ने प्रणाम करते हैं, आइए सबको प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते जी कृष्णिया की वाइफ में प्रधानमंत्री जी, सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। जी जी सर, शुभकामना दीजिए सर। आप बाहर आ रहे हैं सर, इसको लेकर मतलब कई सियासी माने भी लग रहे हैं सर। सब सियासी माने का जवाब दिया जाएगा, सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके से सब सवाल को प्रणाम, बीजेपी आपका स्वागत कर रही थी लेकिन कल से सर बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहिएगा सर? कुछ नहीं कहना इस पर सर, कुछ ये जनतंत्र का हिस्सा। सर कल को वापस आएंगे तो कुछ क्या कुछ रहेगा आपका, कल बात कीजिए। बता दें कि नए नियम के तहत करीब 27 लोगों को रिहाई मिल रही है जिसमें आनंद मोहन का नाम भी शामिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए ही बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। फिलहाल आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की शादी की वजह से पैरोल पर बाहर हैं, लेकिन खबरों की माने तो उन्हें अब जल्द रिहाई मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।